नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जिस ट्रेन की जानकारी देने वाले हैं वह ट्रेन है हावड़ा अमृतसर मेल। इस ट्रेन की जानकारी देने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, हावड़ा अमृतसर मेल का गाड़ी नंबर 130005 है। यह ट्रेन हावड़ा जंक्शन से अमृतसर जंक्शन के बीच चलती है। यह ट्रेन हावड़ा जंक्शन से अमृतसर जंक्शन के लिए रोजाना चलती है। हावड़ा जंक्शन से अमृतसर जंक्शन की दूरी 1909 किलोमीटर है। इस दूरी को यह गाड़ी 37 घंटा 25 मिनट में पूरा करती है। इस गाड़ी का एवरेज स्पीड 51 किलोमीटर पर घंटा है और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर घंटा है। यह गाड़ी हावड़ा जंक्शन से चलकर आसनसोल जंक्शन, झाझा, पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, लखनऊ चारबाग, मुरादाबाद, अम्बाला कैंट जंक्शन, जालंधर सिटी होते हुए अमृतसर जंक्शन को जाती है। इस गाड़ी का टिकट किराया जो कि हावड़ा जंक्शन से अमृतसर जंक्शन तक का है, फर्स्ट एसी 4835 रुपया, सेकेंड एसी 2835 रुपया, थर्ड एसी 1950 रुपया, स्लीपर क्लास 735 रुपया, सेकेंड सीटिंग 455 रुपया। इस गाड़ी का दूसरे स्टेशनों का किराया जानने के लिए रेलवे के किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप लोग पता कर सकते हैं। दोस्तों, हावड़ा अमृतसर मेल एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन से अपने समय अनुसार रात को 7:15 पर 9 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ती है। इसके बाद यह गाड़ी वर्धमान जंक्शन को रात को 8:17 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 8:22 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी दुर्गापुर स्टेशन को रात को 9:10 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 9:12 में वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी रानीगंज स्टेशन को रात को 9:29 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 9:30 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी आसनसोल जंक्शन को रात को 9:51 पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 9:56 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 199 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी चितरंजन स्टेशन को रात को 10:18 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 10:19 में वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी मधुपुर जंक्शन को रात को 11:00 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 11:04 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 4 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी जसीडीह जंक्शन को रात को 11:29 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 11:34 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी झाझा स्टेशन को रात को 12:50 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 12:55 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 353 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी क्यूल जंक्शन को रात को 1:28 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 1:33 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी मोकामा जंक्शन को रात को 1:59 पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 2:03 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 4 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी बख्तियारपुर जंक्शन को रात को 2:29 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 2:31 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी पटना साहिब को रात को 2:53 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 2:58 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी पटना जंक्शन को रात को 3:40 पर पहुँचती है और 3:50 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 530 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी दानापुर स्टेशन को सुबह 4:05 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 4:07 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी आरा जंक्शन को सुबह 4:31 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 4:36 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी डुमराव स्टेशन को सुबह 5:04 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 5:06 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी बक्सर स्टेशन को सुबह 5:21 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 5:25 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 4 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी गहमर स्टेशन को 5:38 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 5:40 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है।
इसके बाद यह गाड़ी दिलदार नगर जंक्शन को सुबह 5:58 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 6 बजे वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी जमनिया स्टेशन को सुबह 6:09 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 6:11 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को सुबह 8:05 पर पहुंचती है और 8:20 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 15 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 741 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी काशी स्टेशन को सुबह 9 बजे पहुंचती है और 9:01 पर खुल जाती है। यहां पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी वाराणसी जंक्शन को सुबह 9:15 पर पहुँचती है और 9:25 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 760 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी भदोही स्टेशन को सुबह 10:03 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुँचती है और 10:05 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी जंघई जंक्शन को सुबह 10:33 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुँचती है और 10:35 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी बादशाहपुर स्टेशन को सुबह 10:53 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 10:54 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी प्रतापगढ़ जंक्शन को दिन में 11:25 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 11:30 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 888 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी अमेठी स्टेशन को दोपहर 12:00 एक नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 12:02 में वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी गौरीगंज स्टेशन को दोपहर 12:17 पर एक नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 12:18 में वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी जायस स्टेशन को दोपहर 12:33 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 12:35 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी रायबरेली जंक्शन को दोपहर को 1:03 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 1:05 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी बछरावा स्टेशन को दोपहर 1:43 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुँचती है और 1:45 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी लखनऊ चारबाग स्टेशन को दोपहर 3:35 पर 7 नंबर प्लेटफार्म पर पहुँचती है और 3:50 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 15 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1061 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी बालामऊ जंक्शन को शाम को 5:09 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुँचती है और 5:11 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी हरदोई स्टेशन को शाम को 5:38 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5:40 पर वहां से खुल जाते हैं। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी शाहजहानपुर स्टेशन को शाम को 6:58 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 7 बजे वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी बरेली स्टेशन को रात को 8:02 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 8:04 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी रामपुर स्टेशन को रात को 9:03 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 9:05 में वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी मुरादाबाद स्टेशन को रात को 9:52 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 10 बजे वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 8 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 1386 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी धामपुर स्टेशन को रात को 10:50 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 10:52 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी नगीना स्टेशन को रात को 11:08 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुँचती है और 11:10 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी नजीमाबाद जंक्शन को रात को 11:30 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 11:32 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी लक्चर जंक्शन को रात को 12:08 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 12:10 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी रुड़की स्टेशन को रात को 12:39 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 12:41 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी सहारनपुर स्टेशन को रात को 1:35 पर 5 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 1:45 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 1579 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है।
इसके बाद यह गाड़ी यमुनानगर जगधारी स्टेशन को रात को 2:11 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 2:13 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी अम्बाला कांड जंक्शन को रात को 3:10 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 3:20 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी राजपुरा जंक्शन को रात को 3:43 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 3:45 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी लुधियाना जंक्शन को सुबह 5:35 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 5:45 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1,774 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी फिल्लौर जंक्शन को सुबह 5:59 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 6:01 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी फगवारा जंक्शन को सुबह 6:24 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 6:26 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी जालंधर कैंट स्टेशन को सुबह 6:45 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 6:47 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी जालंधर सिटी को सुबह 7:01 प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 7:07 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 7 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1,831 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी ब्यास स्टेशन को सुबह 7:39 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 7:41 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1,867 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी अपने अंतिम स्टेशन को 1,909 किलोमीटर कवर करते हुए अमृतसर जंक्शन को सुबह 8:04 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। दोस्तों, हावड़ा अमृतसर मेल एक्सप्रेस की जानकारी यहीं समाप्त हुई। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।